A very good morning in Jai Hind class 11th. Today I am very disappointed from many of you. Yesterday I have given some case study related to chapter number 1. Only Tamanna, Sanchi Tyagi, Nandini submitted the answers of given questions. Shreya has a genuine reason that she was not present during the lectures. But Nandini, Ashwin, Riddhima, Khushi Gupta, Madhav, Shreshta, Mayank, Kanishka, Sanskar, Anushka, Tanya, right? These students have not submitted the answers, which is very bad. Only you will suffer, I will not. Well, continuing with chapter number 2, but today we are not going to continue with chapter number 2. We are going to discuss the case studies given in the last lecture. Right? The very first one case study was, a factory emits a lot of smoke and pollutants while manufacturing plastic toys. एक फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा स्मोक और पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जब वो प्लास्टिक के टॉयज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. इट इज़ ओवरलुकिंग द इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट एंड इज़ एंगेज्ड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. व्हाट आर दे ओवरलुकिंग? दे लुकिंग द इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ एनवायरमेंट पे. इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है? दे आर इग्नोरिंग दैट एंड दे आर ओनली एंगेज्ड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, द केस स्टडी इज आस्किंग अबाउट व्हाट वैल्यूज आर बीइंग ओवरलुक्ड बाय द फैक्ट्री ओनर. फैक्ट्री ओनर के थ्रू कौन सी वैल्यूज ओवरलुक की जा रही हैं? Right, so the factory owner is overlooking ethical and social values. किसे ignore कर रहा है, किसे overlook कर रहा है? Ethical or social values by neglecting the impact of smoke and pollutants emitted by the factory. Suppose कीजिए कि आपके घर के पास कोई रहता है, ठीक है, जो कि manufacturing का काम कर रहा है. Manufacturing का काम, right? ऐसी कुछ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जिससे आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रून हो रहा है, ख़राब हो रहा है, स्मोक का इम्पैक्ट पड़ रहा है, या इट इज़ समथिंग इज़ हार्मफुल फॉर दी पीपल लिविंग अराउंड. सो उससे क्या होता है, द ओनर इज़ हियर ओवरलुकिंग दी एथिकल एंड सोशल वैल्यूज़. एंड व्हाट आर दोज वैल्यूज़? एनवायरमेंटल वैल्यू, वो एनवायरमेंट को ख़राब कर रहा है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यू, व्हाट इज़ ही डूइंग हियर? बिकॉज ऑफ स्मोक एंड पॉल्यूटेंट्स द पीपल लिविंग अराउंड आर सफरिंग हियर, राइट? सो दीज आर द टू वैल्यूज विच इज़ बीइंग ओवरलुक्ड बाय द फैक्ट्री ओनर. इट इज़ रिपीटेड. Second question, this case study is asking about what steps should be taken by the factory owner to check pollution. So what steps should be taken by factory owner? The factory owner should take the following steps. He should introduce improved technology. He has no other option because the factory emits a lot of smoke and pollutants. So the factory owner need to introduce improved technology in the production process. सो दैट वो ये देख पाएँ कि इतना ज़्यादा एमिशन क्यों हो रहा है स्मोक का. एमिशन ऑफ एक्सेसिव स्मोक, इतना ज़्यादा स्मोक क्यों निकल रहा है? फॉर दैट द ओनर मस्ट इंट्रोड्यूस द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन. इससे क्या होगा, सोसाइटी हार्म नहीं होगी, आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ही शुड प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ फॉर द इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. Whatever technique is he, if he is going to adopt, he needs to give proper training to their employees. He should devise some method to separate harmful pollutants and dispose them properly. उसको एक ऐसा method adopt करना चाहिए so that he can separate the harmful pollutants और उन्हें dispose कर सके. He should not dispose harmful smoke.
स्मोक को तो वो डिस्पोज नहीं कर सकता एंड पॉल्यूटेंट्स एज सच इन टू द एयर एंड वाटर बॉडीज. सी वन मोर थिंग इज देयर, उसको डिस्पोज नहीं करना चाहिए स्मोक या पॉल्यूटेंट्स को राइट इन द एटमोसफेयर एंड वाटर बॉडीज, बट ही शुड डिवाइस सम मेथड, कोई मेथड निकालना चाहिए टू सेपरेट हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स एंड डिस्पोज देम प्रॉपरली समवेयर. सो दीज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू राइट इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडीज, दीज आर दी पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस केस स्टडी. नाउ कम्स दी अनदर वन दैट अ चार्टेड अकाउंटेंट मतलब सी ए एज अ प्रोफेशनल इज बाउंड बाई दी कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. सी ए ही हैज़ डन हिज चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया राइट एंड ही इज बाउंड बाई दी कोड ऑफ कंडक्ट. जो कोड ऑफ कंडक्ट देखो हर एवरीवेयर देर इज सम देर आर सम कोड ऑफ कंडक्ट लाइक आप योर इन योर स्कूल देर आर फ्यू कोड ऑफ कंडक्ट विच यू नीड टू फॉलो अप. So Mr. X, a leading CA, advises his client, a businessman. Mr. X, a leading CA, chartered accountant, he advises his client, जो कि एक businessman है, about the techniques to convert his black money into white money. Black money, जो पैसा उन्होंने show नहीं किया हुआ है, right? जो पैसा इतना पैसा वो कमाते हैं जो उन्होंने शो नहीं किया हुआ है दैट इज़ ब्लैक मनी राइट. अगर शो करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा एंड दस अवॉइड इनकम टैक्स बिकॉज ही इज़ कन्वर्टिंग हिज ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी सो ही इज़ अवॉइडिंग द इनकम टैक्स विच इज़ नॉट गुड. सो इज़ द कंडक्ट ऑफ मिस्टर एक्स जस्टिफाइड, गिव रीज़न फॉर योर आंसर. डेफिनेटली नो द कंडक्ट ऑफ मिस्टर एक्स इज़ नॉट जस्टिफाइड because a professional CA is obliged to behave ethically. एक professional CA जिसने chartered accountant किया भी institute of chartered accountant से है so he is obliged to behave ethically under the professional code of conduct of his profession CA. He has violated the ethical code by helping his client who is a businessman to converting his black money into white money. Avoiding income tax and thus cheat the government. So what are the values he is ignoring? Professional value, अपने profession के साथ धोखा कर रहा है. Legal value, जो होना चाहिए legally, he is not doing that. He is converting the black money into white money. Social value, society. कहीं ना कहीं हम tax देते हैं तो उससे हमारी society को ही फायदा होता है. He is ignoring this value as well. Right? Yes. The owner, next case study is the owner of a flour mill knows well that the bags of wheat he is grinding to produce wheat flour for his customers is of very poor quality. Atta, flour is atta here, mill. Owner jo hai uska mill ka, he knows very well that the bags of wheat he is grinding to produce wheat flour के लिए जो बैग वो इस्तेमाल कर रहा है वीट का फॉर हिज कस्टमर वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है एंड इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बिल्कुल भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो फिट नहीं है. बट ही स्टिल इंस्ट्रक्ट हिज स्टाफ टू प्रोड्यूस द वीट फ्लोर एंड पुट इट ऑन सेल. इवन देन ही इज़ इंस्ट्रक्टिंग हिज स्टाफ टू प्रोड्यूस द वीट फ्लोर, वो वीट फ्लोर प्रोड्यूस करे और उसको बेके. Is the owner of the flour mill justifies in maximizing his profit? Because what is he doing? It is specifically clear here. It is specified that he is only maximizing his profit. अपने profit को बढ़ा रहा है. वो values overlook कर रहा है. And what are the values being overlooked by him? The very first question is it justified? No, not at all. By selling flour which is made of poor quality wheat. वो एक ऐसा फ्लोर सेल कर रहा है जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी के वीट से बना है विच इज़ नॉट इवन गुड फॉर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. द मिल ओनर इज चीटिंग द कस्टमर्स और उनकी हेल्थ के साथ वो खेल रहा है. ही लैक द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इन बिजनेस, एक ऑनेस्टी नाम की भी चीज़ होती है. ही इज लैकिंग दैट. ही एक्ट इज हिज एक्ट इज एक्चुअली अनएथिकल, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा. एंड अगेंस्ट द मॉरल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, यस. बिकॉज अल्टीमेटली वो अगर फ्लोर हम लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, राइट. ही इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, वो सिर्फ प्रॉफिट
देख रहा है एंड ही इज़ इग्नोरिंग द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट प्रॉफिट इज़ नॉट दी ओनली होल सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ओनर. देर आर नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद जिनके बारे में किसी भी ओनर को सोचना पड़ता है. वो हमारे इन्वेस्टर, हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर और स्पेशली जो ओनर होता है वो रॉ मटेरियल तो रिसोर्स जो होते हैं वो सब सोसाइटी से ही तो लेता है. और सोसाइटी को ही धोखा देना, सोसाइटी के साथ ही हार्म करना. सो द वैल्यूज ओवरलुक्ड बाय द ओनर इज ऑनेस्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड लीगल वैल्यूज. राइट, सो आई हैव डिस्कस द केस स्टडीज. आई अप्रिशिएट तमन्ना, सांची एंड नंदनी फॉर टाइमली सबमिटिंग देयर आंसर्स टू मी. From the next time, it will definitely not be tolerated and you will be the sufferer. If anybody from you are not going to submit the test on given time, then you'll face some kind of difficulty in future definitely. So I'm warning you this time that do complete the test or the case study given by the teacher and submit it on the given time. That is your responsibility, which is unethical. What you are doing is unethical, like the case studies you have just read. Okay, chalo, have a good learning. From tomorrow we'll continue with the chapter. Thank you.